हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एमएस वर्ड में किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से हम अंडरलाइन दे सकते हैं ये देखा था, और हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर किस तरह से दे सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन के बारे में देखा था। तो आज हम एमएस वर्ड में मज़ीद जो ऑप्शन है उनके बारे में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने एमएस वर्ड में हैं, और एमएस वर्ड के ऑप्शन को समझाने के लिए मुझे कोई टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। तो एमएस वर्ड भी हमें कोई टेक्स्ट देता है, तो हम एमएस वर्ड के ही फ़िलहाल कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी नोटबुक से कुछ टेक्स्ट को टाइप करें, जिससे आपकी टाइपिंग भी अच्छी होगी। तो फ़िलहाल मैं टाइम को बचाने के लिए एमएस वर्ड के कोई टेक्स्ट को ले लेती हूँ। तो उसके लिए मैं लिखती हूँ इजिकल टू RANDE, और हमें जितने पैराग्राफ चाहिए, जैसे कि मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं 4 टाइप करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगी और इंटर करूँगी। तो हम देखिए एमएस वर्ड जो हमें पैराग्राफ देता है वो ओपन हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं और उसमें कोई हेडिंग है जिसमें आपको इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एमएस वर्ड में कुछ ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई हेडिंग टाइप करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर। इस टेक्स्ट को मैं करती हूँ सिलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, जहाँ पे लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट के ऑप्शन हैं। देखिए, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। इसको मैं थोड़ा लार्ज करके दिखाती हूँ आपको। इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं, ये देखिए। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं, ब्लैक कलर चाहते हैं, देखिए बैकग्राउंड में इसके शेडो भी आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं, मज़ीद ऑप्शंस, मज़ीद जो है इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप सब दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी टेक्स्ट में या अपने किसी डॉक्यूमेंटेशन में अपने जो टेक्स्ट को थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ सिलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे आप ज़रा नोट कीजिएगा, थोड़ा सा जो है पैराग्राफ जो है उसमें थोड़ा स्पेस हो आ गया है, थोड़ा सा जो ये देखिए थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट के बीच में थोड़ा थोड़ा जो है स्पेस आ चुका है। तो आप इस तरह से अपने जो है डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा स्पेस भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में। उसके अलावा देखिए, अगर आप अपने किसी टैग को थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरो टाइप का बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो थोड़ा टैग है वो थोड़ा सा मूव हो गया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। देखिए इस तरह से करेंगे तो वो पहले जैसा हो गया, और यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। डिक्रीज़ करेंगे तो देखिए ये थोड़ा पहले की तरह ही हो गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को भी थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंटेशन में किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एमएस वर्ड एक ऑप्शन देता है। यहाँ पे जो फाइंड लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो आप टेक्स्ट चाहते हैं मतलब सर्च करना, उसको आप यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूर, तो देखिए जैसे मैंने यूर लिखा तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ भी यूर लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी वर्ड को इजीली जो है सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिप्लेस का। देखिए यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए रिप्लेस का मतलब, जैसे कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में जिस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वो वर्ड टाइप करेंगे और रिप्लेस विद में अपना वर्ड टाइप करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ वीडियो, वीडियो, और यहाँ पे मैं रिप्लेस जिस वर्ड को रिप्लेस करना चाहती हूँ वो लिखूँगी ऑडियो। इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे,
ओके करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ था तो ऑडियो हो गया है, और उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ था तो यहाँ पे हो गया ऑडियो। तो इस तरह से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी वर्ड को इजीली जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एमएस वर्ड के होम में एक ऑप्शन आता है स्ट्रक्चर। तो पहले देखिए, पहले मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्रक्चर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर जो है एक लाइन सी बनी हुई आ गई। जैसे कि आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं और उसमें कोई रिमूव करने का ऑप्शन नहीं होता, तो इस तरह से आप उसको कट करवा सकते हैं। उसके अलावा एम एस वर्ड हमें एक ऑप्शन देता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। उससे क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ रिमूव करना चाहते हैं और पहले जैसा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को एम एस वर्ड में इजीली बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।